पेज नंबर 196, कराधान टैक्सेशन परिचय इंट्रोडक्शन। भारत सरकार जन कल्याण के लिए बहुत से काम करती है, इसके लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करती है? सरकार धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में जनता पर कर लगाती है। ये करें पूर्व निर्धारित होती हैं। पेज नंबर 196, सोचें एवं चर्चा करें। सरकार इसके अतिरिक्त विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लिए और अपने खर्चों की पूर्ति हेतु कहां कहां से धन प्राप्त करती है? आप जानते हैं कि आयकर क्या है? भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय का एक बड़ा हिस्सा आयकर से प्राप्त राशि होती है। सरकार आयकर प्राप्त करने के लिए आयकर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर देना होता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर नहीं देना पड़ता। आय के विभिन्न स्तरों के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है। परंतु कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर में छूट दी जाती है। आयकर की दर आय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यह बढ़ी दर निश्चित स्तर से अधिक आय पर लगती है। व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों के आय के एक या एक से अधिक साधन हो सकते हैं। अतः उन सभी साधनों से प्राप्त आय पर गणना द्वारा प्राप्त कर का योग ही आयकर है। कभी कभी इस आयकर पर सरकार विशेष प्रायोजनाओं के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कर लगा देती है, जिसे उपकर सेस कहा जाता है। आयकर की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को आयकर अनिवार्यतः चुकाना चाहिए। क्या आयकर जमा करने के लिए आयकरदाता के खाते की कोई संख्या, अकाउंट नंबर होती है? भारत सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग आयकरदाताओं से आयकर प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आयकरदाताओं की पहचान आयकर विभाग कैसे करता है? आयकरदाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर या पेन अथवा अस्थायी खाता संख्या, टेम्प्ररी अकाउंट नंबर या टेन कहा जाता है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन को अनिवार्य किया जाता है, ताकि आयकर विभाग को खाता धारकों के आय की जानकारी हो सके। यह आयकर किस अवधि के लिए एवं किस दर पर लगाया जाता है? किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय के समस्त स्रोतों से जो आय होती है, उसी पर उसे आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। आयकर गणना के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं, जो वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती हैं। पहला, आइए विगत 3 वर्षों की आयकर दरों की तालिका का अवलोकन करें, जिसमें आयकर की गणना दरें समय अनुसार परिवर्तित हुई हैं। दूसरा, वर्तमान में शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा देय आयकर का 1% है, अथवा समेकित रूप से कुल शिक्षा उपकर 3%। तीसरा, यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो देय आयकर पर 10% अधिभार भी देना पड़ता है। चौथा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, जो सकल आय से घटा दी जाती है। शेष आय पर आयकर की गणना की जाती है। निवेश की गई छूट योग्य राशि इस प्रकार है: अ, जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किश्त; ब, यूलिप में जमा वार्षिक किश्त; स, सामान्य भविष्य निधि वार्षिक जमा राशि; द, गृह ऋण पर मूलधन जमा राशि की वार्षिक राशि; ई, बच्चों को देय शिक्षण शुल्क; फ,
सावधि जमा की राशि, ग समूह बीमा या परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंशदान की राशि आदि। आइए आयकर गणना को इस उदाहरण द्वारा समझते हैं।